आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका एक्स आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है तो इसका मतलब क्या है, वो क्यों वापस आना चाहता है। और दूसरा हम इस पर भी बात करेंगे कि अगर वो वापस आना चाहता है या चाहती है तो क्या आपको वापस लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। तो इस टॉपिक पे बात करते हैं, देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन निकलता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा जो एक्स है, जो हमारी एक्स है, वो वापस क्यों आना चाहता है, क्यों आना चाहती है। सबसे पहला रीज़न इसका ये होता है कि जो भी हमने अच्छे पल बिताए थे वो उन पलों को याद कर रहा या कर रही है। अब ध्यान में रखने वाली बात यह है कि वो आपको याद नहीं कर रहा, आपके साथ बिताए हुए कुछ अच्छे पलों को याद कर रहा है। और जब भी वो अकेला होता है, अकेली होती है, तो उसको वो पल मिस होते हैं। उसको लगता है कि यार वो कितने अच्छे अच्छे पल थे, हम ये करते थे, हम वो करते थे, मुझे वो पल वापस चाहिए। और जब भी वो उन चीज़ों को मिस करता है या करती है, इसलिए वो कॉल करता है और बात करना चाहता है। अब एक चीज़ याद रखो कि इन पलों में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। सबसे पहली चीज़ कि मान लो कि जो टाइम पे आप बात करते थे, उस टाइम पे अगर उसको कोई बात करने वाला नहीं मिलता तो आपको याद करता है, और हो सकता है ऐसे वो आपको कॉल मिला दे या मैसेज कर दे और आपसे बात करना चाहे। लेकिन एक चीज़ याद रखो कि जब भी वो उसको कोई और इंसान मिल जाएगा तो वो उन पलों को याद नहीं करेगा और आपको मैसेज नहीं करेगा। तो ये टेम्परेरीली चीज़ें हैं, वो अभी निकल रहा है आपकी यादों से, और क्योंकि वो निकलने की कोशिश कर रहा है इसलिए हो सकता है कि आपको कॉल कर दे या मैसेज कर दे। तो ऐसे में आपको ज़्यादा चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। इन पलों में एक और चीज़ आ जाती है कि उसको आपसे कुछ चाहिए जो कि उसको पहले मिल रहा था। कुछ भी हो सकता है, आप चाहने की चीज़ें, अब आपके बीच में क्या था क्या नहीं था, अब वो आप अच्छी तरह समझते हैं, तो वो चीज़ें उसको दोबारा से चाहिए क्योंकि अब मिल नहीं रही ना। तो हमें हमारे हम इंसान ऐसे ही होते हैं कि हमें कोई चीज़ नहीं मिलती तो हमें वो चीज़ वापस चाहिए होती है। तो जब उसको वो चीज़ दोबारा मिल जाएगी तो दोबारा वो आपको छोड़ देगा। तो ये सिंपल चीज़ें होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे सिंपल चीज़ यही है याद रखने वाली कि उसको कोई और नहीं मिल रहा है इसलिए आपकी याद आ रही है। जब कोई और इंसान मिल जाएगा तो आपको छोड़ देगा और आपको कॉल मैसेज कुछ भी नहीं करने वाला। तो ये टेम्परेरी चीज़ें हैं, इसको ज़्यादा मत बढ़ाओ कि भाई क्या वो जिंदगी में वापस आना चाहता है, क्या वो हम वापस से उन चीज़ों को लाना चाहता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो निकलने की कोशिश कर रहा है आपकी ही तरह, और वो निकल नहीं पाता है, कुछ दिक्कत आ जाती है तो आपको कॉल या मैसेज कर देता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है कि वो जब तक कोई और इंसान को नहीं ढूंढ लेता तब तक आपको एज अ ब्रिज यूज करता है, एज अ सपोर्टर यूज करता है। यानी कि जब तक मुझे कोई और लड़की ना मिल जाए तब तक मैं अपने एक्स के साथ फ्रेंड जोन उसको रखूंगा, उससे बातचीत करता रहूंगा, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता ना कि मैं अकेला बैठ जाऊं और भाई कुछ भी ना रहे। अब इसको तुम इस तरीके से समझो कि जब तक आपको कोई नई जॉब नहीं मिल जाती तब तक आप अपनी पुरानी वाली जॉब को नहीं छोड़ोगे। ठीक इसी तरीके से जब तक लड़की को या कोई लड़के को नया कोई बंदा या बंदी नहीं मिल जाता तब तक वो आपको नहीं छोड़ना चाहता और आपको जरूर रखना चाहेगा अपने पास एज अ सपोर्ट, कि जब भी उसका बात करने का मन करे आपसे करता रहे, और जब कोई नया इंसान मिल जाए तब वो आपको छोड़ दे। तो हो सकता है कि आपको फ्रेंड जोन्ड करना चाह रहा है कुछ बेनिफिट्स के लिए, और बेनिफिट्स कुछ भी हो सकते हैं, सेक्सुअल भी हो सकते हैं, बात करने के बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आपको फ्रेंड जोन्ड रखना चाहता है। और नंबर थर्ड जो कि बहुत ही ज़्यादा कम होता है कि उसको रियलाइज हो चुका है कि आप उसे बहुत प्यार करते थे और उसमें उसकी गलती थी कि उसने आपको छोड़ दिया है, और जो भी चीज़ें हुई वो नहीं होना चाहिए थी और वो चीज़ें दोबारा सही हो सकती हैं, शायद इसलिए वो आपसे दोबारा बात करना चाहता है। ये बहुत ही कम होता है, अगेन मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अब वापस आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसको जानने का सबसे सही तरीका, सबसे पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि आपका ब्रेकअप क्यों हुआ था। ब्रेकअप के कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। अगर ब्रेकअप का रीज़न कोई एक थर्ड पर्सन था तो वन ऑन वन आपको कभी भी नहीं जाना चाहिए, कभी ज़िंदगी में उसको देखो भी मत, उसको ब्लॉक करो, उससे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर वो किसी और इंसान के लिए आपको छोड़ता है। दूसरी चीज़, अगर इसलिए आपका ब्रेकअप हुआ क्योंकि कुछ टेम्परेरीली चीज़ें हो गई थी, हो सकता है फैमिली की प्रॉब्लम्स आ गई हों, हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई हों, हो सकता है आपको टाइम ना दे पा रहा हो, उसके पास टाइम ना हो या आप टाइम ना दे पा रहे हो, कोई भी ऐसा रीज़न जो कि रीज़न था ही नहीं, तो आप कंसिडर कर सकते हो वापस जाने के लिए। अभी भी आपको वापस नहीं जाना है, आप कंसिडर कर सकते हो कि क्या आपको वापस जाना है या नहीं जाना, फिर आप उससे बात कर सकते हो और जानना चाह सकते हो कि भाई उसका रीज़न क्या है, वो क्यों वापस बात करना चाह रहा है। अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको पहली चीज़ ये याद रखनी है कि जब भी आप उसकी ज़िंदगी में वापस जाना
करना चाहो या उसको वापस लाना चाहो तो कभी भी अपने प्रीवियस रिलेशनशिप पे बात मत करो। एक नई शुरुआत करनी है तो उसको नई शुरुआत होने दो। हमारी सबसे बुरी आदत यही होती है कि जब भी हम अपने एक्स से बातें करते हैं तो पुराने जो गड़े मुर्दे थे उनको खाना चालू कर देते हैं कि तू तो कह रही थी तू मुझसे बात नहीं करेगी, तू तो कह रही थी कि तू मैं तो ऐसा हूँ मैं तो वैसा हूँ, फलाना फलाना चीज़ें। तो आपको ये सब बातें नहीं करनी है। एक नई शुरुआत लाओ, एक नई चीज़ दिखाओ कि आप बहुत हैप्पी हो उसके बिना भी, आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशहाल है। ऐसे में वो लड़की या वो लड़का ज़्यादा अट्रैक्ट होगा या ज़्यादा अट्रैक्ट होगी। तो आप ये मत दिखाओ कि आप उसके बिना नहीं जी पा रहे हो, आपको वो ज़िंदगी वापस चाहिए। नहीं, जैसे ही आपने दिखा दिया कि आप भी उसको वापस लाना चाहते हो, वो बिल्कुल आपको छोड़ देगी। तो आपको ये दिखाना है कि नहीं, मुझे तो तुम्हारी ज़रूरत है ही नहीं। ऐसे में वो इंसान ज़्यादा अट्रैक्ट होगा आपसे और हो सकता है कि आपकी बातें दोबारा से चालू हो जाएँ और चीज़ें दोबारा से सॉर्ट आउट हो जाएँ। बहुत ही कम होता है थर्ड पॉइंट, बट अगर ऐसा हो रहा है और आपको भी चाहिए वापस ज़िंदगी में तो आप ट्राई कर सकते हो। बट सबसे ज़्यादा चीज़ें तो यही होती हैं कि वो आपको फ्रेंड जोन रखना चाहता है, एज अ ब्रिज यूज़ करना चाहता है। जब कोई एक नया इंसान उसको मिल जाएगा तो आपको छोड़ देगा, या हो सकता है कि उसको आपसे कुछ चीज़ें चाहिए जो कि पहले उसको मिला करती थी। अब उसको चीज़ें चाहिए तो अब आपसे कुछ बहली मतलब बहलाएगा फुसलाएगा और वो ले लेगा और फिर दोबारा से छोड़ देगा। एज सिंपल एज दैट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक छोटी सी नोटिफिकेशन होगी, उसको याद करके ऑन कर देना।